हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किवरा, चेल्फा हिंदी में आपका स्वागत है। कल बजट ने आम इंसान की कमर तोड़ के रख दी। दरअसल मोदी सरकार का ये मंशा रही है पिछले 6 सालों से कि आम इंसान को कुछ नहीं देना। 6 साल पहले 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन थी, आज भी वही है। आज वो 2 टैक्स के अलग अलग सिस्टम बना के लोगों को अचंभित कर दिया, लोगों को देखा जाए तो कंफ्यूज कर दिया, लोगों के पेट पे लात मार दी। सरकार ने अब अपने पैरों पे नहीं, आम आदमी के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कल मैंने बहुत बात की थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एक इशू को प्रतिदिन उठाऊंगा और आपके सामने लेके आऊंगा कि कैसे यह सरकार जो है आम इंसान के खिलाफ है, कैसे यह सरकार आम इंसान को ख़त्म करना चाहती है, कैसे यह सरकार आम इंसान की कमर तोड़ देना चाहती है, पैर काट देना चाहती है। पहला इशू जो हम ले रहे हैं, DDT का इशू, जिसके ऊपर कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट क्रैश हो गया। कल मंडे आएगा, आप देखिएगा ये और क्रैश होगा। दरअसल हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, और उससे उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा डिविडेंड के रूप में, यानी कि कंपनीज को जो प्रॉफिट मिलता है तो उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको डिविडेंड कहा जाता है, वो उसके ऊपर जिंदा रहते हैं। सरकार ने कंज्यूमर के इस डिविडेंड के ऊपर कैंची चलाई है। कैसे कैंची चलाई है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसके हटने के पूरे चांस थे, दुनिया में कहीं नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसे ड्रैकोनियन लॉ जो आपको बिल्कुल कमर तोड़ने के लिए पैदा किए गए हैं वो हिंदुस्तान में ही आपको मिलेंगे, और ये सरकारें जानबूझ के करती हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी समृद्ध बने, आगे आए, उसके पास 2 पैसे हों। अगर उस कहीं पैसा नजर आता है तो उसको तुरंत छीन लिया जाता है। ये भारत की सरकार है। मुझे ये कहने में कोई गुमान नहीं है कि आम आदमी की कमर तोड़ दी गई, आम आदमी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। किसने? सरकार ने मारी। यहाँ पे पैर काट दिए गए। बताता हूं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। आप कहेंगे समझ नहीं आया DDT इशू, यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कि कैसे सरकार ने एक झटके में आम आदमी की कमर तोड़ी। मैं बताता हूं आपको। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है और उस कंपनी को साल में 100 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता तो फिर तो कुछ प्रॉफिट बढ़ता ही नहीं, लॉस ही है तो लॉस थोड़ी बढ़ता है, प्रॉफिट होता तभी बांटा जाता है। सपोज कीजिए कंपनी है और कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डिंग है, जो उसका मालिक है, उसके बाद समझिए 50% शेयर उसके पास है और बाकी 50% शेयर सपोज कीजिए 100 व्यक्तियों के पास हैं। किसी के पास 1 रुपये, किसी के पास आधा रुपये, किसी के पास 4 आना, किसी के पास 1.5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ऐसे हो सकता है। साल के बाद जब कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो उनको उम्मीद रहती है कि कुछ प्रॉफिट होगा कंपनी का, तो 2 पैसे हमको मिल जाएंगे। उसके ऊपर लाखों फैमिलियां डिपेंड करती है हिंदुस्तान में। अब क्या करती थी सरकार, पहले बजट से पहले क्या था और बजट के बाद क्या होता है? बजट के पहले ऐसा था कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ सपोज कीजिए कंपनी को, तो इनकम टैक्स में उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, जो कंपनीज के ऊपर इनकम टैक्स आता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, 30 रुपए का 30% का टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, जो बल्कि 34-35 रुपए हो जाता है टोटल मिला के, सरचार्ज मिला के। तो समझिए आप, हम कॉमन इशू लेके चलते हैं कि 30% का टैक्स है, तो 30% का टैक्स उस 100 रुपए के प्रॉफिट पे दे दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर उसके बाद 70 रुपए का नेट प्रॉफिट बच जाता है। अब इस 70 रुपए के नेट प्रॉफिट में भी कुछ कंपनी पैसा रिटेन कर लेती है आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन फिलहाल सपोज करो हम उसको अभी नहीं काउंट करते, हम लेके चलते हैं कि 70 रुपए का प्रॉफिट हो गया जनरल समझ के लिए। इस 70 रुपए के अंदर क्योंकि मेन जो मालिक है उसके बाद 50% की हिस्सेदारी है, तो 35 रुपये तो उसका चला गया, और ये 35 रुपये जो है ये 100 जो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास दूसरा 50% था उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके शेयर का रेशो के हिसाब से। यहां पे पुराना कानून ये था कि सरकार ने 100 रुपये पर ऑलरेडी टैक्स ले लिया, और जब ये आम इंसान को 35 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है, सरकार उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है, और वो 35 रुपये जब खुद को मिल रहे हैं मालिक को तो वो डिविडेंड हो गया तो उसके ऊपर भी टैक्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो बाकी बचा 70 रुपये इसके ऊपर 20% का करीब डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आ गया सपोज कीजिए। तो
यहां पे आप सोचिए कि उसका पांचवा हिस्सा 70 रुपए में से 14 रुपए और कट गया। तो अभी तक ये 14 रुपए जो कटता था ये कंपनी को देना पड़ता था, तो कंपनी के 35 रुपए ऑलरेडी थे, उसमें 14 और कट गए, तो उसको बचा क्या उसका 20-21 रुपए सिर्फ। अभी 35 रुपए बट गए साहब, आम इंसान के पास आ गए। अब कंपनी को बड़ा नुकसान होता था इससे, तो सरकार ने मारी पलटी इस बार, हटाने की बजाय उन्होंने कहा कि कंपनीज अब पेमेंट नहीं करेंगी इसकी, 20% पेमेंट नहीं करेंगी, तो ये जो रिसीवर है वो पेमेंट करेगा। अब उसमें एक रिसीवर तो मालिक भी है, अब वो मालिक बेसिकली अगर टैक्स लेता है तो वो ऑलरेडी हायर इनकम स्लैब में है, 42% का हाईएस्ट इनकम स्लैब है, तो वो 35 रुपए का उसको जो अगर प्रॉफिट मिलता भी है तो उसका जब ट्रांसफर करता है अपने अकाउंट में तो उसके 42% उसमें कट जाते हैं, ऑलमोस्ट 50%, यानी कि 35 में से 17 रुपए चले गए तो बाकी क्या बचा, 18 रुपए उसके पास। और जो बाकी 35 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए इसको आम जनता को, सपोज 100 आदमियों को एक ही 1.5-1.5 रुपए करके, तो उनके पास जो इनकम है वो उस हाईएस्ट स्लैब में चली जाएगी, इनकम में जुड़ जाएगी। साहब ये अगर मेरा इनकम टैक्स का स्लैब जो है 30% के आसपास का है, तो मैं अगर मेरे को सपोज करो 2 रुपए मिलते हैं या 3 रुपए मिलते हैं, तो मेरा 30% के हिसाब से ऑलमोस्ट 1 रुपए उसमें से कट के चला जाएगा, मेरे को 2 ही रुपए मिलेंगे। और जिनका 42% का इनकम टैक्स स्लैब आता है, 15 लाख से ऊपर वाला, 20 लाख से ऊपर वाला, तो उन व्यक्तियों का और ज्यादा कट जाएगा। तो अब कंपनीज को तो मिल गई मुक्ति वहां से, जो डिविडेंड टैक्स शेयर होल्डर को देना था, लेकिन वो लोग जो बेचारे आम इंसान थे, जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तान के जो थोड़ा बहुत पैसा कमा के घर चला रहे थे, उनको खत्म कर दिया सरकार ने। कभी आपने सोचा है कि पहले 100 रुपए के प्रॉफिट में ऑलरेडी आप टैक्स ले चुके हो, उसके बाद जो बच रहा था उसके ऊपर भी टैक्स ले रहे हो, एक चीज को कितनी बार आप टैक्स करोगे साहब, कोई लिमिट है आपकी? एक ही अमाउंट को आप बार बार टैक्स कर रहे हो, ऐसा आपने दुनिया के किसी देश में नहीं देखा होगा। इसलिए हिंदुस्तान में ये आपने देखा होगा कल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट क्रैश हुआ, जो पिछली हिस्ट्री में बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट जिसे कह सकते हैं ऐसा हुआ। ये सरकार आपको जिंदा नहीं रखना चाहती है, ये सरकार आपकी कमर तोड़ देना चाहती है, ये सरकार आम इंसान की कमर तोड़ देना चाहती है, ये सरकार ने जो कन्फ्यूजन पैदा किया है उसकी वजह से लोग हतप्रभ हैं। मैंने उन लोगों से भी बात की जो सरकार के भक्त हैं, जो सरकार के डेवोटीज हैं, जो बीजेपी के डेवोटीज हैं, अब उनके चेहरे पे भी परेशानी नजर आ रही है कि ये सरकार ने क्या कर दिया। लेकिन सरकार जानती है क्या कर रही है, सरकार ने हर चीज जानबूझकर की है, इस बात को मत भूलिएगा। यही तो है भाजपा सरकार, आम इंसान का नाम लो और उसके एक तरह से देखा जाए तो उसको नंगा कर दो, कुछ मत छोड़ो, कंपनीज की मदद करो जितनी कर सकते हो, लेकिन आम इंसान की मदद करते समय उनकी टांगे कांपती हैं। यही भाजपा सरकार है, पिछले 6 साल से यही चल रहा है। अब कल से कुछ लोग रियलाइज करना शुरू हुए कि ये तो कुछ उल्टा हो रहा है। जी हाँ, यही तो है भाजपा सरकार। बाकी हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लिंक आगे भेजते रहिए, और जी हाँ, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया आपका।